हेलो फ्रेंड्स, टर्नर टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन तैयार किया है जो NPCIL में कुछ महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जो इसका पहला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि प्लस 0.001 mm है, 0.175 mm की माप करने के लिए माइक्रोमीटर का पाठन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो होगा वो होता है फ्रेंड्स, जैसे 175 है पॉइंट, तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा वो 001 जो होगा वो इसको ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा ये 671 फ्रेंड्स। तो इसका जो होगा वो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। फिर जो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसके थिम्बल का एक डिवीजन का मान जो होता है फ्रेंड्स वो 0.001 mm, 0.01 mm, 0.002 mm, 0.02 mm। तो फ्रेंड्स, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है, सो फ्रेंड्स जो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसके एक थिम्बल डिवीजन का मान पूछ रहा है, तो थिम्बल डिवीजन का मान जो होगा फ्रेंड्स वो 0.01 mm होता है। एक थिम्बल डिवीजन का मान जो होता है तो फ्रेंड्स थिम्बल के एक डिवीजन का मान जो होता है 0.01 mm होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसके स्पिंडल पे जो बैरल पर 25 mm की दूरी होती है फ्रेंड्स, 25 mm की दूरी होती है, और इस पे जो थ्रेड कटी होती है फ्रेंड्स, जो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर पे जो थ्रेड कटी होती है 0.5 mm की, 0.5 mm की थ्रेड कटी होती है, तो ये सिंगल स्टार थ्रेड कटी होती है फ्रेंड्स। अर्थात जब स्पिंडल में, जब जो हमारा स्पिंडल होता है वो जब एक चक्कर लगाता है तो 0.5 mm वो जो स्पिंडल हमारा होता है वो आगे बढ़ जाता है जब हमारा थिम्बल एक लगाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब थिम्बल में 50 डिवीज़न होते हैं, जिस थिम्बल में जब 50 डिवीज़न होते हैं, जैसे होगा 1.1/2/5 50 फ्रेंड्स, जब 50 होगा तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स जो होगा कि 1/2 × 1/15। तो हम फ्रेंड्स जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100, तो इसका हो जाएगा 0.01 इसका फ्रेंड्स हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो अगर हम क्वेश्चन पूछ लिया होता मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का थिम्बल डिवीजन के जगह अगर इसका लिस्ट काउंट पूछ लिया होता तो लिस्ट काउंट फ्रेंड्स इसका हो जाता है 0.001 mm। ये इसका लिस्ट काउंट है, ये इसका लिस्ट काउंट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये जो है 0.02 mm, ये वर्नियर का लिस्ट काउंट है, ये वर्नियर का लिस्ट काउंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के स्लीव का एक समांतर डिवीजन होता है। तो फ्रेंड्स जो ब्रिटिश का होता है एक समांतर डिवीजन वो फ्रेंड्स 0.1/100, बी जो दिया है 9/1000, सी दिया है 9/1000 इंच, और डी दिया है फ्रेंड्स 1/1000। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा फ्रेंड्स सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया फ्रेंड्स, ये दोनों एक ही ऑप्शन हो गए हैं। सो आगे देखते हैं, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। तो ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के फ्रेंड्स एक थिम्बल डिवीजन का मान जो होता है वो 1/1000 होता है। तो इसका जो होगा बी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर के बेजल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जीरो सेटिंग, क्लैंप करने, देखने के लिए, उपरोक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसका जो बेजल होता है उसका प्रयोग फ्रेंड्स हम जो होता है कि
जीरो सेटिंग करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एनसी मशीन की विशेष लक्षण है, जो एनसी मशीन की विशेष लक्षण क्या होता है? ए जो ऑप्शन है, प्रोग्राम के प्रत्येक स्टेप संख्याओं में अंकित किए जाते हैं। मशीन को मैकेनिकल कंट्रोल किए जाने की अपेक्षा मशीन को सेट करने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। मैन्युअली कंट्रोल मशीनों की अपेक्षा कटिंग स्पीड बहुत अधिक होती है। डी फ्रेंड्स वर्कशॉप के उत्पादन क्रम को ब्लॉकों या नंबरों की सीरीज में स्टोर किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ऑप्शन छठे नंबर का जो होगा फ्रेंड्स वो डी जो होगा वो फ्रेंड्स डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एनसी मशीन पर टूल सेटिंग यूनिट पर की जाती है। तो फ्रेंड्स जो टूल सेटिंग होता है, प्री सेटिंग डिवाइस, मशीन सेट होल्डर, स्पेशल डिवाइस पर, खाली समय के दौरान, एनसी मशीन पर, मशीन पर ही जब अन्य क्रिया की जा रही हो। तो फ्रेंड्स जो इसका रीसेटिंग होता है यूनिट पर जो सेटिंग होता है मशीन टूल का वो फ्रेंड्स जो प्री सेटिंग डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आठवें नंबर का क्वेश्चन है। स्टॉक का पिचकना एक दोष है जिसे कहते हैं, निम्न में से कौन कारण है जो इस दोष संबंधित है? स्टॉक की लंबाई 2 से 4 गुना अधिक होना, क्रॉस सेक्शन की सही तरीके से गर्म न करना, अपसेटिंग करते समय स्टॉक को गोलाई में न कर घुमाना, स्टॉक की लंबाई बहुत कम होना। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो स्टॉक की लंबाई फ्रेंड्स बहुत कम होना, इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एनलिंग में शीतलन किया जाता है, जो एनलिंग प्रक्रिया होती है उसमें फ्रेंड्स जो शीतलन होता है यानी ठंडा करने की क्यों किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है फ्रेंड्स? बहुत शीघ्र बहुत धीरे हवा में। तो फ्रेंड्स जो एनलिंग ऑपरेशन यानी जो एनलिंग क्रिया की जाती है वो बहुत धीरे धीरे की जाती है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। जो एनलिंग होता है उसको हम गर्म करके फ्रेंड्स या तो उसे हम कमरे के तापमान में छोड़ देते हैं या फिर फ्रेंड्स उसी भट्टी में छोड़ देते हैं धीरे धीरे ठंडा होने के लिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दसवें नंबर का क्वेश्चन है। डाउन मिलिंग ऑपरेशन सिर्फ पर ही कार्यान्वित की जा सकती है। सख्त मशीन, प्लेन मिलिंग मशीन, प्रतिक्षेप या बैकलेस एलिमिनेटर युक्त सख्त मशीन, हैंड मिलिंग मशीन। तो फ्रेंड्स जो डाउन मिलिंग ऑपरेशन होता है फ्रेंड्स वो केवल प्रतिक्षेप या बैकलेस एलिमिनेटर युक्त सख्त मशीन पर होता है, इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बेंच बांका में निम्न चूड़ी होती है, यानी फ्रेंड्स जो बेंच वाइस होता है उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है? BSW, एक्मे, गोल, बटरेस थ्रेड कटी होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उसमें जो होगा बटरेस थ्रेड कटी होती है, यानी इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। या फिर फ्रेंड स्क्वायर थ्रेड भी कटी होती है, एक्मे थ्रेड भी कटी होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ताले जिस लॉकिंग आर्म को चलते हुए अंदर से या बाहर से चला सकते हैं को कहते हैं, मोर्टिस लॉक, रिम लॉक, पैड लॉक, नाइट लैच लॉक। तो फ्रेंड्स जो इसमें होता है वो नाइट लैच लॉक होता है, इसका जो डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। कम दबाव पर पानी से जाने वाले पाइप के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से जोड़ का प्रयोग किया जाता है? यूनियन जोड़, कपलर जोड़, विस्तार जोड़, निपल जोड़। तो फ्रेंड्स जो उसका होता है वो कपलर जोड़ होता है, तो इसका फ्रेंड जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 14 नंबर का। जस्ता एवं जस्तीकृत लोहे के सोल्डरिंग के लिए एक अच्छा तन्य अम्लीय फ्लक्स है। तो फ्रेंड जब सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, बोरेक्स। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो सोल्डरिंग के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम बोरेक्स का भी करते हैं, बोरेक्स का प्रयोग हम फ्रेंड्स ब्रेजिंग में करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर का। निम्न उल्लिखित किस लेथ भाग को पावर फिट के साथ नहीं दिया जा सकता? कैरेज, कंपाउंड रेस, क्रॉस स्लाइड, फीड स्क्रू। तो फ्रेंड्स जो पावर
जो होता है, यानी जो मशीन के द्वारा पावर यानी ऑटोमेटिक फीड हम नहीं दे सकते हैं, कौन सा पार्ट होता है लेथ मशीन का, तो कैरेज जो होता है फ्रेंड्स उसे हम पावर फीड दे सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स कंपाउंड रेस्ट को हम जो है पावर फीड नहीं दे पाते हैं, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्रॉस स्लाइड जो होता है फ्रेंड्स, क्रॉस स्लाइड को भी हम पावर फीड दे देते हैं, और फीड स्क्रू जो होता है वो तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ही पावर देता है, जो जिसके द्वारा हम कैरेज वगैरह आज को कैरेज क्रॉस लाइट को हम चलाते हैं फ्रेंड्स। तो जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, 19 डिग्री 40 मिनट के कोण को इंडेक्स करने के लिए किस इंडेक्स प्लेट की आवश्यकता होती है, तो फ्रेंड्स प्लेट फर्स्ट, प्लेट सेकंड, प्लेट थर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रेंड्स इंडेक्सिंग प्लेट जो 19 डिग्री 40 मिनट के लिए जो प्रयोग करते हैं प्लेट, वो फ्रेंड्स जो होता है वो प्लेट सेकंड होता है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निकाली गई सामग्री की राशि में ज़्यादा होता है ड्रिलिंग, रीमिंग, होनिंग, लैपिंग, तो मतलब कह रहा है फ्रेंड्स किस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा मेटल निकलता है, तो फ्रेंड्स जो इसका हो जाएगा वो मिलिंग जो होगा फ्रेंड्स, मिलिंग ऑपरेशन में इस सबसे ज़्यादा मेटल निकलता है। रीमिंग में भी फ्रेंड्स कम निकलता है, होनिंग में भी निकलता है कम, और लैपिंग में भी कम निकलता है, बट मिलिंग में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मेटल निकलता है। आर्ड लैग कैलीपर का दूसरा नाम फ्रेंड्स, आर्ड लैग कैलीपर का जो दूसरा नाम होता है जैनी कैलीपर, विभाजक, वर्नियर कैलीपर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो आर्ड लैग कैलीपर का दूसरा नाम होता है वो जैनी कैलीपर होता है, और फ्रेंड्स आर्ड लैग कैलीपर का कई नाम होते हैं। सो फ्रेंड्स जो हमारा आर्ड लैग कैलीपर होता है फ्रेंड्स, उसका जो होता है 3 नाम होता है, इसे आर्ड लैग कैलीपर भी कहते हैं, इसे जैनी कैलीपर भी कहते हैं, और इसे फ्रेंड्स जो होता है एक और नाम होता है हर्मोफाइट कैलीपर, इसे हर्मोफाइट कैलीपर भी कहते हैं। और जो आर्ड लैग कैलीपर होता है फ्रेंड्स, इसका जो काम होता है, इसके द्वारा हम जाब की सतह पर समांतर रेखा खींची जाती है फ्रेंड्स, इसके द्वारा जाब की सतह पर समांतर रेखा जो होता है खींचा जाता है, तथा किसी भी गोल छड़ जो होता है उसके सेंटर को भी इसके द्वारा निकाला जाता है, उसके सेंटर का भी पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आर्ड लग कैलीपर का जो दूसरा नाम होगा वो जो होगा जैनी कैलीपर होगा, इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और इसका एक नाम और होता है हर्मोफाइट, हर्मोफाइट कैलीपर भी इसका दूसरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स 19 नंबर का, मिलिंग मशीन में होता है शीघ्र प्रतिगमन व्यवस्था, इंडेक्सिंग व्यवस्था, फुल प्रूफ व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो मिलिंग मशीन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में होता है फ्रेंड्स, वो इंडेक्सिंग व्यवस्था होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सेंटर पंच निम्नलिखित पदार्थ का बना होता है, पीतल, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, तो फ्रेंड्स अगर पीतल का हम बनाते हैं सेंटर पंच, तो उस पर हम जब बीटिंग करेंगे, अगर हम हैमर चलाएंगे, तो फ्रेंड्स उसका पॉइंट जो होगा ख़राब हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा और टूट जाएगा। कास्ट आयरन तो फ्रेंड्स भंगुर होता है, तो इसका जो होगा वो भी फ्रेंड्स नहीं होगा, माइल्ड स्टील का भी नहीं होगा फ्रेंड्स, जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा सेंटर पंच होता है वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और सेंटर पंच के द्वारा फ्रेंड्स हमें जो हमारा ड्रिल होता है, जहाँ पे हमें ड्रिल करना होता है, तो उसके पॉइंट को हम इंगित करते हैं, उसके पॉइंट पे हम फ्रेंड्स सेंटर ड्रिल लगाते हैं और सेंटर पंच लगाते हैं। और जो सेंटर पंच होता है इसका फ्रेंड्स जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हॉबिंग मशीन का प्रयोग के पुंज्योत्पादन तथा व्यापक उत्पादन के लिए किया जाता है, हॉबिंग मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, स्पर गियर, श्रेड, हेलिकल गियर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो हॉबिंग मशीन होती है उसका प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स हेलिकल गियर काटने के लिए हॉबिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, ये मास प्रोडक्शन के लिए फ्रेंड्स, ये एक स्पेशल पर्पज मशीन होता है जिस पे केवल हेलिकल गियर ही काटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, माइल्ड स्टील का केस हार्डनिंग की जाती है, इसका कोर होता है पूरा कठोर, नर्म व चिमड़ापन, भंगुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो माइल्ड स्टील का जब हम केस हार्डनिंग करते हैं तो नर्म एवं चिमड़ापन में होता है, यानी डक्टाइल होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। छेनी के माध्यम से काटने पर धातु के सहारा देने के लिए निहाई के किस भाग का प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स बॉर्न, सतह, टुकड़े करने वाले ब्लॉक, पीछे, तो फ्रेंड्स जो निहाई का वो होता है इसका फ्रेंड्स जो होगा
वो सी जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, टुकड़े करने वाले ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को इसके कार्बन पदार्थ के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर गर्म और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है और फिर भट्टी में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है कहलाती है टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इसके पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था जो एनलिंग ऑपरेशन होता है उसको कमरे के तापमान में छोड़ दिया जाता है जो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी या तो फिर फ्रेंड्स भट्टी में जो उसे छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, उस ऑपरेशन को जो होगा वो एनिलिंग कहते हैं फ्रेंड्स। टेम्परिंग के लिए फ्रेंड्स जो होता है वो कमरे के तापमान में रख देते हैं, नॉर्मलाइजिंग तो फ्रेंड्स हम ऐसे ही करते हैं, और हार्डनिंग जो होता है वो जो जल्दी गर्म करने के लिए होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में क्रेटर वियर होता है, तो फ्रेंड्स जो सिंगल पॉइंट का होता है वो क्रेटर वियर क्या होता है फ्रेंड्स हम आपको बता दें। जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसके पॉइंट के ऊपर जो हमारा मेटल होता है वाकई चिपक जाता है, वही क्रेटर वियर होता है फ्रेंड्स। तो फ्लैंक, साइड, रैक, टिप, तो फ्रेंड्स जो हमारा रैक होगा, जो हमारा रैक होगा फ्रेंड्स उस होगा उसके ऊपर, तो फ्रेंड्स रैंक रैक हमारा जो रैक टॉप होता है, तो उसके बाद जो हमारा पॉइंट होता है यानी जो हमारा टिप होता है फ्रेंड्स उसके ऊपर आके जो होता है वो मेटल चपक जाता है। तो इसका जो होगा डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 26 नंबर का है। सॉफ्ट ग्रेट व्हील निम्न में से धातु की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट व्हील होता है वो किस प्रकार के मेटल की ग्राइंडिंग के लिए होता है? हार्ड, साधारण, नरम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो होता है नरम धातु के लिए। जो सॉफ्ट ग्रेड का व्हील होता है वो नर्म धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है और हार्ड धातु के लिए फ्रेंड्स हम जो होता है सॉफ्ट व्हील का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स अगर हमें नरम धातु जो होता है उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए हमें सॉफ्ट ग्रेड यानी जो हार्ड ग्रेड होता है उसके ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं, और हार्ड के लिए हमें सॉफ्ट ग्राइंडिंग का, नरम ग्राइंडिंग का, हार्ड के लिए नरम का और नरम के लिए हार्ड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अधिकतर कटिंग औजार निम्न से धातु के बनाए जाते हैं? हाई कार्बन स्टील, पीतल, हाई स्पीड स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो हमारा अधिकतम जो कटिंग औजार होता है वो हाई कार्बन स्टील के ही बनाया जाता है। खरोचनी के नोक बनाने के लिए उसे निम्न से ग्राइंड पर टेम्पर किया जाता है। 130 से 14 डिग्री कोण पर, 15 से 20 डिग्री के कोण पर, 20 से 25 डिग्री के कोण पर, 300 से 35 डिग्री के कोण पर। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो होगा फ्रेंड्स 15 से 20 डिग्री के कोण पर जो होता है उसको हम ग्राइंड करते हैं, जो हमारा खरोचनी होता है यानी जो हमारा फ्रेंड्स जो हमारा स्क्राइबर होता है उसके एंगल को फ्रेंड्स हम 15 से 20 डिग्री पे ग्राइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। कार्बन इस्पात में फेराइट निम्न में से संघट होता है? तो फ्रेंड्स मुलायम एवं तन्य, कठोर, कठोर एवं तन्य, लचीला एवं तन्य। तो फ्रेंड्स जो होता है इसका लचीला एवं तन्य होता है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष फाइल का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है? ब्लॉक फाइल, गोल फाइल, अर्ध गोल फाइल, सुई फाइल यानी नीडिल फाइल। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो जो होगा फ्रेंड्स ब्लॉक फाइल जो होगा वो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो आयताकार होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। डार्ट पंच का इस्तेमाल निम्न में से किया जाता है? डार्ट पंच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मार्किंग को पक्का करने हेतु, पट्टों में ड्रिल करने के लिए, गोल जाप का केंद्र निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स जो हमारा डार्ट पंच होता है उसका प्रयोग फ्रेंड्स हम जो गोल जाप के केंद्र के लिए भी कर लेते हैं और मार्किंग के लिए भी करते हैं। फ्रेंड्स जो डार्ट पंच होता है उसका एंगल जो होता है फ्रेंड डार्ट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। रोज मशीन के निचले सिरे पर किस कोण में चैम्फर किया जाता है?
30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो 45 डिग्री होगा, इसका सी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस अवस्था में धनात्मक शून्य त्रुटि उत्पन्न होती है? थिम्बल का शून्य डेटम लाइन से पीछे रह जाता है, थिम्बल का शून्य डिवीजन लाइन से आगे चला जाता है, शून्य डेटम लाइन थिम्बल के शून्य में शून्य से पीछे रह जाती है, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका ऑप्शन होगा वो जो होगा फ्रेंड्स वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब थिम्बल का शून्य डेटम लाइन जो होगा वो जब पीछे रह जाता है तो फ्रेंड्स उसमें जो होगा वो पॉजिटिव त्रुटि आ जाती है, यानी धनात्मक त्रुटि आ जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड चलते हैं, किसी भी स्लाइडिंग मशीन पर निम्न में से गियर्स का प्रयोग किया जाता है? हाइपोइड, मिड गियर्स, हेलिकल गियर्स, रैक एवं पिनियन। तो फ्रेंड्स जो हमारी स्लाइडिंग मशीन पर जो गियर प्रयोग किया जाता है वो होता है फ्रेंड्स जो होगा वो रैक एंड पिनियन होता है फ्रेंड्स, उसी के द्वारा जो होगा वो होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, 35 नंबर का, रॉट आयरन का उत्पादन होता है कास्ट आयरन द्वारा पुडलिंग विधि में, कास्ट आयरन द्वारा ओपन हर्थ विधि में, पिग आयरन द्वारा पुडलिंग विधि में, पिग आयरन द्वारा ओपन हर्थ में। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो हमारा रॉट आयरन होता है वो सबसे शुद्ध लोहा होता है, तो रॉट आयरन का जो उत्पादन होता है फ्रेंड्स वो पिग आयरन द्वारा जो होता है पुडलिंग में होता है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, उष्मो उपचार की प्रक्रिया के दौरान निम्न में से तापमान पर स्टील की संरचना में परिवर्तन आने लगा लग जाता है? अपर क्रिटिकल बिंदु, निम्न क्रांतिक बिंदु, गलन बिंदु, हीमन बिंदु। जो फ्रेंड इसका होगा वो जो होता है निम्न क्रिटिकल तापमान, यानी जो निम्न क्रांतिक बिंदु होता है उसी पर जो हमारा मेटल होता है जब वो पे पहुंचता है तो फ्रेंड्स उसमें के अंदर जो होता है वो और बदलाव शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स हम फोर्जिंग भी करते हैं वो निम्न क्रांतिक बिंदु के ही तापमान पर हम फोर्जिंग भी करते हैं मेटल का। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, 37 नंबर का है, पनले कार्य खंडों पर बड़े व्यास के छेद काटने के निम्नलिखित प्रक्रिया होती है? बोरिंग, ट्रिपेनिंग, स्पॉट फेसिंग, रीमिंग। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो बड़े साइज में हमें होल करना हो तो वो फ्रेंड्स होता है ट्रिपेनिंग। ट्रिपेनिंग के माध्यम से हम बड़े साइज में होल करते हैं। बोरिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो ड्रिल के द्वारा किए गए बोर जो होते हैं, ड्रिल के द्वारा किए गए सुराख को बढ़ाना होता है वो उसे बोरिंग कहते हैं। स्पॉट फेसिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा ड्रिल किया गया कोई पार्ट होता है उसके ऊपर जो उसके ऊपर बर आ जाते हैं और उस बर को हटाने के लिए फ्रेंड स्पॉट फेसिंग जो होता है ऑपरेशन किया जाता है जिससे हमारा वाशर को स्थान प्रदान होता है। रीमिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी ड्रिल के द्वारा बोर किए गए या सतह को फ्रेंड्स ये थोड़ा सा बढ़ाता है और उसके अंदर स्मूथ लाता है, फिनिशिंग लाता है। तो हमें अगर बड़ा छेद करना है तो फ्रेंड्स उसको ट्रिपेनिंग ऑपरेशन विधि से करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील को निम्न में से कहते हैं? हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील, अपर हाई स्पीड स्टील, बी जो होगा सुपर हाई स्पीड स्टील, अपर हाई स्पीड स्टील, जो सुपर हाई कार्बन स्टील और अपर हाई कार्बन स्टील। तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा वो होगा सुपर हाई कार्बन स्टील, जो कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील होता है उसे सुपर हाई कार्बन स्टील कहते हैं। बड़े व्यास के ग्राइंडिंग व्हील निम्न से बांड बनाए जाते हैं? विट्रीफाइड बांड, रफ बांड, मशीन बांड, कच्चा बांड। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, जो बांड बनाए जाते हैं सबसे बड़ा जो होता है वो विट्रीफाइड बांड का होता है। ये करीबन 2600 mm का व्यास में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से इंजीनियरिंग क्रियाएँ कौन सी है? अनुसंधान, विकास, निर्माण, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो हमारा इंजीनियरिंग होता है वो सभी होता है, क्योंकि अनुसंधान भी होगा फ्रेंड्स, विकास भी होगा और निर्माण भी होता है। तो ये जो होगा उपरोक्त सभी होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, टूटे हुए टैप को निकालने में निम्न में से उपकरण प्रयोग होते हैं? हथौड़ा, पाइप रेंच, टैप एक्सटेक्चर, स्पैनर। तो फ्रेंड्स जो होगा हमारा टूटा हुआ टैप होता है तो फ्रेंड्स उसको हम टैप स्ट्रक्चर के द्वारा निकालते हैं, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, 42 नंबर का, पाइप में बाहरी चूड़ी काटने के लिए निम्न में से कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? पाइप डाई, पाइप टेप, प्लग काक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो होगा
उसमें अगर हमें थ्रेड या पाइप के ऊपर या किसी रॉड के ऊपर जो हमें थ्रेड काटनी होती है तो उसका डाई डाई के द्वारा थ्रेड काटते हैं, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। और जो फ्रेंड्स टैप होता है, टैप के द्वारा इंटरनल थ्रेड काटते हैं, इंटरनल थ्रेड काटते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं, 43 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फेराइट के साथ निम्न में से संरचना बनाती है, स्तरीय, पतरीय, उत्तरीय, मतरीय। तो फ्रेंड्स जो फेराइट होता है वो कौन सी संरचना बनाता है, तो इसका जो होगा फ्रेंड्स जो बी होगा वो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन चलते हैं फ्रेंड्स, पाइपों का टेम्परेरी जोड़ बनाने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, यूनियन, साकेट, एल्बो, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो होगा वो यूनियन का प्रयोग किया जाता है। एल्बो का प्रयोग क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमें पाइप को मोड़ना होता है या फिर उसमें एल्बो लगा के मोड़ देते हैं। साकेट क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा पाइप जो होता है छोटा पड़ जाता है तो उसमें साकेट लगा के दूसरी पाइप को जोड़ दिया जाता है। निम्नलिखित में से दस्ती रीमर प्राय धातु का बना होता है, जो रीमर होता है फ्रेंड्स वो किस मेटल का बना होता है, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, क और ख दोनों कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं, जो हमारा रीमर होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ए ऑप्शन जो होगा इसका फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स जो हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील का भी बना होता है, तो इसका जो ऑप्शन फ्रेंड्स सी होगा वो करेक्ट होगा। फ्रेंड्स इसका जो होगा सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स 46 नंबर का क्वेश्चन है, सफ़ेदी निम्न में से तरीकों की से की जाती है, पानी के साथ मिलाकर, मिथाइल स्प्रिट के साथ मिलाकर, तारपीन के साथ मिलाकर, उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स जो होता है वो उपरोक्त में से सभी होगा, इसका जो डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, एक युक्ति का प्रयोग पंच द्वारा बनाए गए छेद को समतल व सही आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है, उपरोक्त प्रक्रिया में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये जो होगा ड्रिफ्ट, लेग वाइज, फ्लेटर, फुलर। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो ड्रिफ्ट होगा फ्रेंड्स, वो ड्रिफ्ट करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ड्रिफ्ट का प्रयोग क्या होता है, जो ड्रिफ्ट फ्रेंड्स जो एक युक्ति जो होता है पंच पंच के द्वारा बनाया जाता है फ्रेंड्स, इसके द्वारा जो छेद होता है जैसे गर्म मेटल में हम फ्रेंड्स इसके द्वारा छेद करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ब्रिटिश एसोसिएशन ब्रेड के नंबर हैं 0 से 25, 0 से 20, 0 से 23, 0 से 50। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो 0 से 50 होता है, इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। मार्किंग टेबल निम्न में से धातु की बनी होती है, ढलवा लोहा, ग्रेनाइट और वह दोनों हाई कार्बन स्टील। तो फ्रेंड्स जो हमारा मार्किंग टेबल होता है वो फ्रेंड्स ढलवा लोहा और ग्रेनाइट दोनों का बना होता है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वी ब्लॉक का अंतःकोण निम्न में से होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो जो फ्रेंड्स हमारा वी ब्लॉक होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सेंटर पंच का प्रयोग निम्न में से किया जाता है, मार्किंग को पक्का करने के लिए, पतली चादरों में पंचिंग हेतु, ड्रिल करने हेतु पंचिंग हेतु, उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले बताया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें फ्रेंड्स जो हमारा सेंटर पंच होता है वो सेंटर पंच का एंगल जो होता है फ्रेंड्स वो 90 डिग्री होता है, और जो हमारा पंच होता है वो 100 mm से लेके 150 mm तक, 150 mm तक लंबाई में होता है। ये फ्रेंड्स हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, तो इसका जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होगा इसका डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो सेंटर पंच होता है फ्रेंड्स उसके द्वारा हम मार्किंग को भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, पतली चादर में सुराख भी कर सकते हैं, और ड्रिल के जो होता है उसके द्वारा हम वो भी कर सकते हैं, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते, ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज में निम्न में से पदार्थ को निश्चित अनुपात में डाला जाता है, आयरन और चूने का पत्थर, कोक, उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो उपरोक्त में से सभी होगा, इसका जो डी ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से वह तापमान है जिस पर आस्टेनाइट बनाना पूर्ण हो जाता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड, 335 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी फ्रेंड्स 735 डिग्री सेंटीग्रेड, 645 डिग्री सेंटीग्रेड, 767 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका फ्रेंड्स जो होगा वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो होता है आस्टेनाइट बनना
पूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते फ्रेंड्स, पाइप वाइज के जबड़े को के बीच का कोण निम्न में से डिग्री का होता है। जो पाइप वाइज होता है उसका जो होगा फ्रेंड्स 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसका फ्रेंड्स जो होगा वो होता है 54 नंबर का फ्रेंड्स जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका बी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा पाइप वाइज होता है फ्रेंड्स उसका ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ होता है। तो ये भी ब्लॉक ही बन रहा है एक प्रकार का फ्रेंड्स, ये जो होता है एक प्रकार का समझो भी ब्लॉक होता है। तो इसी के बीच में फ्रेंड्स हम पाइप को लगा के उसको पकड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो भी ब्लॉक का एंगल होता है फ्रेंड्स वही इसका भी एंगल होता है। तो इसका जो होगा बी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। ब्रोंज मिश्र धातु मिश्रण है जिंक एवं लेड, लेड एवं टिन, कापर एवं लेड, कापर एवं टिन। तो फ्रेंड्स जो होता है जिंक होगा वो फ्रेंड्स कापर एवं टीन का मिश्रण होता है। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। तेली आग को बुझाने के लिए निम्न में से फायर एग्जीक्यूजर का प्रयोग किया जाता है। फोम फायर एग्जीक्यूजर, सोडा एसिड एग्जीक्यूजर, CTC एग्जीक्यूजर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो तेली आग बुझाने के लिए होता है वो जो होगा फ्रेंड्स वो फोम फायर एग्जीक्यूजर होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मैग्नीज को स्टील में मिलाते हैं घिसाव और रोकथाम के लिए, चिमड़ापन बढ़ाने के लिए, अर्धघात आघात वर्धता का कम करने के लिए, साफ करने तथा डीऑक्सीकरण के लिए। तो फ्रेंड्स जो मैग्नीशियम हम मिलाते हैं स्टील में वो किस कारण से क्यों मिलाया जाता है, उसका क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो होता है इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। साफ करने तथा डीऑक्सीकरण के लिए जो होता है उसको हम मैग्नीज को मिलाते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है, पावर ट्रांसमिशन में प्रयोग की जाने वाले क्लच का मुख्य उद्देश्य पावर स्रोत के निम्न में से भाग को अलग करना है, मैकेनिज्म, ड्राइवर साफ, चाबी घाट, ढीली पुली। तो फ्रेंड्स हम आपको बता, जो पावर ट्रांसमिशन के लिए जो क्लच का प्रयोग जो किया जाता है वो क्लच का प्रयोग इसलिए किया जाता है मैकेनिज्म के लिए किया जाता है। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स क्लच क्या होता है कि क्लच ये होता है कि हमारा कोई फ्रेंड्स फंक्शन है, कोई गियर जो है फ्रेंड्स हमारा मशीन चल रहा हो और उसके चलते हुए में ही अगर दूसरे किसी और अटैच को जोड़ना होता है तो वहाँ फ्रेंड्स जो क्लच होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो फ्रेंड्स ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, कृत्रिम श्वसन देने के लिए सर्वप्रथम को साफ करना चाहिए, मांसपेशियों, जीव, मुंह, श्वसन नली। तो फ्रेंड्स जो कृत्रिम श्वसन देते, तो फ्रेंड्स जो श्वसन होता है पहले हम आपको बता दें श्वसन दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स। एक श्वसन जो प्रक्रिया होता है फ्रेंड्स वो, तो फ्रेंड्स जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो दो विधि का होता है, एक सिल्वेस्टर विधि होता है, एक सेफर विधि होता है। तो फ्रेंड्स सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, जो रोगी होता है फ्रेंड्स उसके कपड़े उतार कर फ्रेंड्स उसके जो होते हैं कपड़े या तो ढीला करो या तो उतार दो फ्रेंड्स, और जो होगा वो उसको लिटा लिटा देना चाहिए। और बाद में जो रोगी का फ्रेंड्स हाथ होता है उसको उसके सीने पे लगाकर फ्रेंड्स दबाना चाहिए। और सेफर विधि में क्या होता है, उसको उल्टा लेटा के उसके पीठ को फ्रेंड्स दबाना चाहिए। तो इसका जो होगा कृत्रिम श्वसन देने के लिए जो सर्वप्रथम साफ करना चाहिए फ्रेंड्स उसका जो होगा वो फ्रेंड्स जो होगा श्वसन नली जो होता है वो होता है फ्रेंड्स। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, काले होज पाइप का प्रयोग निम्न में से, जो काले होज होता है पाइप होता है उसका प्रयोग किस गैस के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, एसिटिलीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स जो काले होज का जो हमारा होता है सिलेंडर उसका किस प्रयोग, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन के लिए करते हैं। जो हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो फ्रेंड्स उसके ऊपर काले रंग का जो होता है निशान होता है फ्रेंड्स वो वही कह रहा है। एसिटिलीन का जो होता है फ्रेंड्स वो भूरा कलर का होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बेसिक लाइफ स्पार्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है, तो फ्रेंड्स वायुमार्ग साफ करना, सांस पुनः चालू करना, दिल में धड़कन पुनः चालू करना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी विश्लेषण के द्वारा उत्पादन इकाई की कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि संभव हो जाती है, गति विश्लेषण, समय विश्लेषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो होता है फ्रेंड्स ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थाई जोड़ है जो परमानेंट ज्वाइंट होता है, अस्थाई जोड़ नहीं है, शोल्डरन, रिवेटन, वेल्डन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो जो होता है परमानेंट ज्वाइंट जो नहीं है वो फ्रेंड्स जो होगा शोल्डरिंग नहीं होता है, क्योंकि शोल्डर में फ्रेंड्स हल्की सी भी गर्म होती है तो ये छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 64 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असेंबली में जहाँ नट प्रयोग नहीं होता है तथा असेंबली के तत्वों में स्क्रू को कसने के लिए थ्रेडेड होता है, वह निम्न में से स्क्रू का प्रयोग होता है, मशीन स्क्रू, प्लायर, बोल्ट, पेचकस। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो होगा वो मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कैडमियम को गलनांक निम्न में से होता है, 310 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 320 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो होता है मैग्नीशियम का जो होता है, कैडमियम का जो होगा वो फ्रेंड्स 320 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पहले ऑपरेशन द्वारा जोड़े गए स्क्रैचों को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है, पॉलिशिंग, पेंटिंग, ऑक्सीडेशन, एनामिलिंग। तो फ्रेंड्स जो पहले ऑपरेशन द्वारा जोड़े गए स्क्रैच जो होते हैं उसको दूर करने के लिए फ्रेंड्स हम पॉलिशिंग करते हैं जिससे वो पता नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कार्बन इस्पात को ठंडा करने की दर होती है, 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स जो होता है इसका 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है कार्बन इस्पात को ठंडा करने की जो रेशियो होता है, दर होता है। वर्नियर वर्नियर गहराई जो वर्नियर डेप्थ गेज से निम्न में से न्यूनतम सूक्ष्मता माप ले सकते हैं, जो वर्नियर डेप्थ गेज होता है उससे उसका लीस्ट काउंट कितना होता है फ्रेंड्स, 0.02 mm, 0.6 mm, 0.3 mm, 0.4 mm। तो फ्रेंड जो वर्नियर का होता है वो हमारा जो वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है फ्रेंड्स वही इसका भी होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्नियर वेव प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट निम्न में से है, 1, 5, 10 मिनट, 27 मिनट। तो फ्रेंड्स वर्नियर वेव प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 mm होता है, इसका बी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। टेपर सैंक ड्रिल में निम्न प्रकार का टेपर होता है, मोर्स टेपर, मानक टेपर, स्टैंडर्ड टेपर, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो होगा इसमें मोर्स टेपर होता है, मोर्स टेपर क्या होता है फ्रेंड्स, मोर्स टेपर जो होता है वो 8 नंबरों में होता है और इसका जो टेपर रेशियो होता है फ्रेंड्स वो इसका फ्रेंड्स जो तो फ्रेंड्स जो मोर्स टेपर होता है वो हमने आपको बताया है वो 0 से 7 तक होता है और 8 नंबरों में होता है मोर्स टेपर। फ्रेंड्स मोर्स टेपर जो होता है वो फ्रेंड्स 8 नंबरों में होता है, ये 0 से लेके 7 तक जो होता है नंबर में पाया जाता है और इसका फ्रेंड्स जो टेपर रेशियो होता है वो 5/8 इंच प्रति फुट होता है, 5/8 इंच जो होता है वो प्रति फुट होता है। और जो प्रायः फ्रेंड्स हमारे जो टेपर सैंक ड्रिल दे रखा है, ये जो टेपर सैंक ड्रिल होता है वो फ्रेंड्स हमारा MT जो MT 0 से लेके MT MT 4 तक होता है और ये जो टेपर एंगल होता है फ्रेंड्स जो हमारा टेपर एंगल होता है वो 3 डिग्री तक रखा जाता है। फ्रेंड्स जो हमारा मानक टेपर होता है, मानक टेपर भी फ्रेंड्स वही होता है और स्टैंडर्ड टेपर भी फ्रेंड्स ऐसे होते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी धातु कम घनत्व वाली है, सबसे हल्की, फ्रेंड्स हल्की क्या है, लेड, गोल्ड, एल्यूमिनियम, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु जो होती है वो एल्यूमिनियम होता है, इसका जो सी ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा होता फ्रेंड्स सबसे भारी धातु कौन सी होगी तो वो लेड हो जाएगा, लेड फ्रेंड्स सबसे भारी होता है और फ्रेंड्स लेड का प्रयोग हम जो फेस प्लेट करते हैं वहाँ पे बाइलेंसिंग के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। लैपिंग अलाउंस कितना होता है, 0.02 से 0.03 mm, 0.02 से 2.5 mm, 0.005 से 0.01 mm, 0.001 से 0.01 mm तक। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो सी ऑप्शन जो होता है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। लैपिंग अलाउंस जो होता है 5 माइक्रॉन से लेके 10 माइक्रॉन तक होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स,
फ्लैट स्क्रैपर को हुक स्क्रैपर बनाने के लिए निम्न में से किस कोण पर मोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स फ्लैट स्क्रैपर जो होता है फ्रेंड्स, हम पहले स्क्रैपर के बारे में बताते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा स्क्रैपर होता है वो छह प्रकार का होता है स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, उसके बाद फ्रेंड्स होता है ट्रायंगुलर स्क्रैपर, फिर होता है फ्रेंड्स हमारा जो डबल हैंड स्क्रैपर, उसके बाद होता है फ्रेंड्स हमारा बुल स्क्रैपर, तो और एक होता है फ्रेंड्स हमारा हाफ राउंड स्क्रैपर। तो फ्रेंड्स जो हमारा पहले बता दें जो स्क्रैपर होता है उसके पॉइंट को फ्रेंड्स हम 181 डिग्री के एंगल में ग्राइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा फ्लैट स्क्रैपर होता है उसको जो होता है फ्रेंड्स हम 90 डिग्री पर मोड़ के फ्रेंड्स हम उसको हुक स्क्रैपर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से साधारण प्रकार की छैनी का के नाम हैं, स्पाट व आर पार कट छैनी, हीरा नोक छैनी, अर्धगोलाकार नासिका छैनी, सभी। तो फ्रेंड्स ये जो होता है वो इसका फ्रेंड जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों फ्रेंड जो होते हैं वो छैनी ही होते हैं, जो कि छैनी के नाम होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक समकोण निम्न में से ग्रेड के बराबर होता है, जो समकोण होता है कितने ग्रेड के बराबर होता है, 90, 750, 100, 500, 459। तो फ्रेंड्स इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक फीटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा कौन सा होता है, बाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, बेरीगटन हैमर, क्ला हैमर। तो फ्रेंड्स जो होता है अधिकतम प्रयोग जो हैमर किया जाता है वो बाल पिन हैमर होता है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक अंतःपुच्छ के टेपर को इनमें से किसकी सहायता से मापा जाता है, साइन बार, संयोजन सेट, स्लिप गेज और मानक बीमाओं की और डायल गेज। तो फ्रेंड्स जो होगा वो स्लिप गेज और मानक बीमाओं की जो होती है वो सी ऑप्शन जो होगा इसका फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। निहाई की मोटाई की सीमा है 20 से 25 mm, 15 से 20 mm, 21 से 26 mm, 25 से 30 mm। तो फ्रेंड्स जो हमारा निहाई की मोटाई की जो सीमा होती है वो फ्रेंड्स हमारा 0 से 25 mm तक, 20 से फ्रेंड्स 25 mm तक होता है, तो इसका जो ये ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यदि बोल्ट का पुल्ली के साथ रेपिंग कोण व संपर्क क्षेत्र में कम होगा तो क्या प्रभाव होगा, टार्क क्रम जो होता है ट्रांसमिट होगी, टार्क अधिक ट्रांसमिट होगी, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो टार्क जो होगा कम ट्रांसमिट होगा अगर जो पुल्ली के ऊपर रेपिंग कोड जो होगा वो होगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। छिद्र आधार प्रणाली में सीमा एवं फिट, छिद्र का अमाप बदलता रहता है एवं शाफ्ट अमाप स्थिर रहता है, छिद्र का अमाप स्थिर रहता है एवं शाफ्ट का अमाप बदलता है, छिद्र आधार प्रणाली जैसा कुछ भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फ्रेंड्स हमारा जो होगा होल बेसिस प्रणाली होता है इसमें जो होता है फ्रेंड्स जो हमारा छिद्र जो होता है उसका अमाप स्थिर रहता है और शाफ्ट का बदलता रहता है, इसका जो बी ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। सीएनसी मशीन में पावर पैक का कार्य, तेल की गर्म को संतुलित रखना, तेल की गर्मी को ठंडा बढ़ाना, तेल की गर्मी को बिल्कुल समाप्त कर देना, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो तेल की गर्मी को संतुलित रखना होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, 18.3 प्लस 0.0 माइनस 0.1 mm के रूप में एक आयाम व्यक्त करना, इसका संदर्भ है यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस, लिमिट आयाम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो हो सक जो दिया है फ्रेंड्स ये आपको ऐसे मिलेगा फ्रेंड्स 18.3, तो इसमें प्लस में होता है 0.0 और माइनस में होगा फ्रेंड्स 0.1। तो इसमें जो होगा फ्रेंड्स ये प्लस में, यानी जो हमें जो अपर में कुछ नहीं दिया है, ये लोअर में फ्रेंड्स हमें 100 माइक्रॉन का दिया है, तो ये फ्रेंड्स ये जो होगा वो एक तरफा हो जाएगा, एक तरफा यानी यूनिलेटरल हो जाएगा, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगर यही फ्रेंड्स दोनों तरफ अगर ये ऐसे कुछ होता, ऐसे मान लो फ्रेंड्स ऐसे होता प्लस में और ये माइनस में अगर फ्रेंड्स 0.1 होता तो ये जो होगा फ्रेंड्स ये बाइलेटरल हो जाता, यानी दो तरफा यानी दोनों तरफ देता तो बाइलेटरल हो जाता, और अगर एक तरफ दिया है तो ये यूनिलेटरल हो जाएगा, तो इसका जो फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेथ सेंटर में निम्नलिखित मानक टेपर दिए जाते हैं, मोस्ट टेपर, ब्रिटिश मीट्रिक, ब्राउन एंड स्टार। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो अधिकतम मोस्ट टेपर होते हैं, मोस्ट टेपर क्या होता है फ्रेंड्स, वो किक रिलीज होता है, वो ऑटोमेटिक सेल्फ होल्डिंग डिवाइस होता है फ्रेंड्स,
सॉरी जो मोस्ट टेपर होता है वो सेल्फ होल्डिंग होता है, वो ऑटोमेटिक सेल्फ कर लेता है और टाइट हो जाता है। कास्ट आयरन ढलवा लोहा का गलनांक निम्न विस्तार रेंज में होता है। ढलवा लोहे का जो फ्रेंड गलनांक होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है, वो फ्रेंड्स 1150 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते 85 नंबर का है। घर्षण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, निम्न में से कौन सा घर्षण का लाभ नहीं है। बेल द्वारा शक्ति का संचारण घर्षण द्वारा होता है। घर्षण के कारण मशीनों की शुद्धता प्रभावित होती है। घर्षण के कारण मशीन की शुद्धता प्रभावित होती है। बाल बियरिंग व रोलर बियरिंग घर्षण के कारण घूमते हैं। घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल फिर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है बी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गन धातु इसकी एक मिश्र धातु है। गन मेटल किस धातु से मिलाकर बनाया जाता है। ए ऑप्शन है तांबा टीन और लेड, तांबा लेड और जिंक, तांबा टीन और जिंक इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन है जो गन मेटल किस धातु को मिला के बनाया जाता है, तो फ्रेंड जो हमारा गन मेटल होता है तांबा टीन और जिंक को मिला के बनाया जाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम की तुलना में इस्पात का विशिष्ट गुरुत्व है, अधिक कम बराबर विशेष तत्व के भार के साथ बदलती रहती है। तो फ्रेंड जो एल्यूमिनियम का होता है वो अधिक होता है, यानी ए ऑप्शन जो होगा उसका करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर का होता है। फेस प्लेट का उपयोग होता है, फेस प्लेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। गोल जाप को पकड़ने में, तैयार जाप को पकड़ने में, अनियमित जाप को पकड़ने में, हाल जाप को पकड़ने में, यानी जो हॉलो यानी जो छिद्र हुई जाप होता है उसको पकड़ने में। तो फ्रेंड जो हमारा फेस प्लेट का प्रयोग होता है अनियमित जाप को पकड़ने में। फेस प्लेट का प्रयोग फ्रेंड्स हम लेथ मशीन के ऊपर करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेथ मशीन में प्रयोग होने वाले कई गियरों के सेट को क्या कहते हैं। इंटरमीडिएट गियर, गियर ट्रेन, बेवल गियर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारे जो गियरों का वर्णमाला होता है इसको गियर ट्रेन कहते हैं। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। पिच अंतराल के वर्गाकरण चूड़ी के चौड़ाई होती है। जो वर्गाकरण चूड़ी होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जो वर्गाकरण कार चूड़ी होता है उसकी चौड़ाई होती है 0.5 पिच होता है। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। सेलेक्टिव असेंबली की विशेषता होती है, सस्ती होती है, अधिक उत्पादन में तैयार होती है, स्पेयर नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो होता है वो स्पेयर नहीं होता है। इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एनसी मशीन का अर्थ होता है नेचुरल कंट्रोल मशीन, पेनोमेट्रिक कंट्रोल मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, नो कमांड मशीन। तो फ्रेंड्स एनसी मशीन का जो पूरा नाम होता है वो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होता है। सी इसका ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। वह जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है, बॉक्स प्लेट, टूनियन जिग, प्लेट जिग, लैच जिग। तो फ्रेंड्स जो जिग में प्लेट बेस प्लेट नहीं होता है वो प्लेट जिग होता है। इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेथ मशीन संचालन में फिर राड पर लगाई जाती है। अच्छी गति में कंपाउंड स्लाइड, टेल स्टॉक मूवमेंट, ऑटोमेटिक टर्निंग में कैरिज, टूल इस पोस्ट व्यवस्था। तो फ्रेंड्स जो होता है लेथ मशीन में संचालन फिर जो होता है वो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक टर्निंग में कैरिज को दिया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। मृद इस्पात खंडों में स्थायी संधियों के द्वारा प्राप्त की जाती है। बोल्ट तथा नट, वेल्डन, शीतलन, कौथनांक। तो फ्रेंड्स जो 95 नंबर का होगा वो वेल्डन जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एक बहुत सूक्ष्म छेद छेद बनाने के लिए प्रचालन की सही क्रम है ड्रिलिंग, टैपिंग, होनिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, होनिंग, होनिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, ड्रिलिंग, लैपिंग, होनिंग। तो फ्रेंड जो हमारा सबसे जो इसका जो क्रम होता है वो फ्रेंड क्रम इसका जो होगा वो पहले ड्रिल करेंगे, उसके बाद रीमिंग करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम होनिंग करेंगे। इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो ग्रेड दिया है ये चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। मशीन फिनिशिंग, ग्राइंडिंग फिनिशिंग, फोर्जिंग, होनिंग एवं लैपिंग। तो फ्रेंड्स जो ये होगा वो ग्राइंडिंग फिनिशिंग जो होता है फ्रेंड्स वो ऐसे करके ऐसे ऐसे फ्रेंड्स चार बनाए जाते हैं।
और जो मशीन में होता है फ्रेंड्स, मशीन में से थ्री होते हैं, फाइल के द्वारा ऐसे दो बनाते हैं, मशीन में ऐसे तीन त्रिभुज होता है, और होनिंग लैपिंग में फ्रेंड्स ये होता है, तो फोर्जिंग में हमारा फ्रेंड्स ऐसे होता है। तो इसका जो होगा वो सी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो करेक्ट हो जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के मशीन टूल द्वारा शाफ्ट सतह उत्पन्न करना कहलाती है लैथ, शेपर, ड्रिल, मिलिंग। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो शेपर मशीन जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा, शेपर मशीन पे ही रेसिप्रोकेटिंग का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, 99 नंबर का। कटिंग टूल सामग्री की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है भंगुरता, पारगम्यता, प्रत्यास्था, टफनेस। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा वो टफनेस जो होता है फ्रेंड्स वो करेक्ट हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस गुजारी जाती है, उसका तापमान होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 560, 600 से 650, 650 से 700, 575 से 600। तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वो 500 से फ्रेंड 560 डिग्री होगा, ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पे फ्रेंड्स इसी तरह से टेक्निकल क्वेश्चन को बनाया जाता है और आपको फ्रेंड्स उसके बारे में बताया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, धन्यवाद।